नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, घर में पैसे टिके उसका ये बहुत आसान उपाय है, घर से गरीबी जाए उसका ये बहुत आसान उपाय है जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। यदि अच्छा लग जाए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। दोस्तों, हमारे ही वो कर्म होते हैं जिसके द्वारा हमारी लाइफ में गरीबी या अमीरी होती है। कुछ लोगों को आप देखना, उनके अंदर इतनी ज्यादा किसी के भी प्रति जलन और ईर्ष्या हद से ज्यादा होती है। अब ये वो चीज है जो आप किसी और को तो बाद में गिराते हैं, लेकिन आप खुद पहले गिर जाते हैं। किसी के भी प्रति अगर आपने जलन और ईर्ष्या को अपनी लाइफ में प्लेस दे दिया तो आप बुरा ही बुरा सोचेंगे। अभी बुरा कैसा होता है? दूसरे का आप बुरा करेंगे, अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो आप कितना ही उसके साथ बुरा करो, उसके साथ बुरा नहीं होगा। हाँ, एक आधा झटका लग जाएगा छोटा मोटा, वो फिर से अपनी जगह पर आ जाएगा, है ना। आप जैसे रबर को जबरदस्ती खींचेंगे दूर दूर दूर, लेकिन जैसे आप यहाँ से छूटा फिर अपनी जगह पर जाएगा। किसी भी इंसान की जिंदगी को, पूरी जिंदगी को आप हैंडल नहीं कर सकते। हाँ, आप उसके साथ बुरा कर करके अपने कर्म संचित कर रहे हैं, आप खुद एक दिन बर्बाद हो जाएंगे। आप देखो कितने ऐसे बुरे लोग हैं जिन्होंने बुरे तंत्र मंत्र द्वारा कितने लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, जलन में, ईर्ष्या में। परिणाम, उनके खुद के बच्चे सक्सेस उन्हें नहीं मिली। पांच पांच दस दस हजार रुपए की नौकरी करते हुए आपको दिखाई देंगे। घर की लड़कियां नौकरी करने को निकल गई है और फिर भी घर में पैसे नहीं है। ये कब होता है? जब हम अंदर से किसी का भी भला नहीं सोचते, सिर्फ खुद का ही भला सोच रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज नेसेसरी फॉर एवरीवन कि आप भले बने। अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में अमीरी आए, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, किसी का गलत ना करें। एक बार आपको पता भी है कि ये व्यक्ति मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, गलत कर रहा है, तो भी उसे लेट गो करें। अगर आप सभान अवस्था में, हाँ कितनी बार आपसे गलती, हर व्यक्ति से होती है, लेकिन अगर आपने अनजाने में गलती की है तो भगवान भी उसको माफ करता है। लेकिन अगर आप जानबूझकर गलतियां करेंगे तो आपके घर में गरीबी रहेगी, कलेश रहेगा, कोई ना कोई तकलीफ रहेगी और रहेगी। हाँ, फिर ये भी नहीं है कि नहीं मैडम मैं तो बहुत अच्छे कर्म करता हूँ फिर भी मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो आम बात है। एक कभी एक्सीडेंट हो जाना या कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाना, जहाँ लाइफ है वहाँ सब कुछ चलता है, लेकिन कुछ कुछ समय के लिए, तो वो बात चलो समझ में आती है। लेकिन आप देखो कई लोगों की लाइफ ऐसी होती है जहाँ प्रॉब्लम 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 जाती ही नहीं है लाइफ से, तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज है ना, इसको हटाना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगी, इस उपाय को आप जरूर करें। जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले आप क्लियर हो जाए, किसी का बुरा ना सोचे, क्योंकि व्यक्ति यहीं से बुरे कर्म की शुरुआत कर देता है। गलत सोचना बंद करो, गलत सोचना बंद करोगे, गलत करना अपने आप बंद हो जाएगा, पूरे परिवार का प्रोग्रेस होगा। गलत सोचना बंद करें, गलत करना बंद करें और अच्छे कर्म करना शुरू करें। जो मूक जीव है, गाय है, बकरी है, जो डॉग्स है, इन्हें भोजन करवाएं, चारा दें, रोटी दें, दूध दें। जहां चीटियां हैं वहां जाकर के आटा डालें। ये जो जीव जंतु हैं, इन्हें कई लोगों को आप देखना, अगर कोई एक जीव भी उनके घर में आ गया तो लेडीज, इसमें खास तौर से मैंने आदत देखी, वो अभी 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 मैंने पूरा घर साफ किया था और इसको उठाकर फेंक दो, इसने गंदा कर दिया। मतलब आपको किसी जीव के लिए अंदर से प्रेम नहीं है। जब व्यक्ति के अंदर प्रेम आ जाता है तो उसको और कुछ नहीं दिखता है, उसको यही लगता है कि ये भी जीव है, इसको इतना भी सेंस नहीं है कि कहाँ गंदगी करनी चाहिए कहाँ नहीं करनी चाहिए, इसलिए इसने गंदा कर दिया, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, आप जीवों को आश्रय नहीं देते, जीवों को आश्रय दें। पेड़ पौधे लगाएं, हरे भरे पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ पौधों का दान करें, तुलसी का दान करें, अच्छे जो पॉजिटिव पेड़ पौधे हैं उनका दान करें। ये चीज आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आती है, जिंदगी हरी भरी हो जाती है क्योंकि आपने हरियाली का दान किया हुआ होता है। पेड़ पौधों का दान दोस्तों बहुत अच्छा, बहुत बड़ा दान है।
दरवाजे से कोई भी भिक्षुक कभी भूखा ना जाए इसका ध्यान रखें। रास्ते चलते यदि आपको गरीब बच्चे दिखाई देते हैं तो जरूर उन्हें भोजन करवाएं। महीने में ज्यादा नहीं तो एक बार दूध का दान जरूर करें। जहां मंदिर हो आपके घर के आसपास मंदिर है तो संध्या समय किसी भी भगवान का किसी भी देवी देवता का मंदिर है वहां जाकर के एक दीपक जरूर जलाएं। सूर्यास्त के बाद एक दीपक किसी भी मंदिर में जाकर के जरूर जलाएं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के सामने सात बाती का दिया सूर्यास्त के बाद जरूर रखें। ये तमाम वो कर्म है दोस्तों जो आपकी लाइफ में धन ही धन लेकर के आता है। कहीं पर भी कोई भी जरूरतमंद दिखता है अपनी शक्ति अनुसार दोस्तों दान करें। दान बहुत बड़ी चीज है। इस दुनिया में आपको वही मिलता है जो आपने किसी को दिया है ना? बहुत बहुत गौर कर लेना इस चीज पर। आपको वही मिलेगा जो आपने किसी को दिया है, चाहे प्रेमवश दिया है चाहे नफरतवश दिया है। दिया आपने है तो मिलेगा किसको? आपको। कहा आपने, आपके द्वारा कहे गए शब्द ब्रह्मांड में गूंज करके वापस कहाँ आएंगे? आप ही के पास। जो चीज आपसे उत्पन्न हुई है वो आप ही के पास लौट कर आती है। इसलिए इस ब्रह्मांड को वो दे जो आप चाहते हैं। जानकारी अच्छी लग जाए तो लाइक जरूर कर दोस्तों। लाइक बहुत कमा रही है और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आप कई हमारे जो व्यूवर्स हैं बार बार ये लिख रहे हैं कि मैडम ये वाली वीडियो, क्योंकि कुछ एक ऐसी वीडियो है जो अभी मैंने बहुत रिसेंटली ही अपलोड की हुई है, तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो आप चैनल पर आराम से जा सकते हैं और तमाम वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। जय श्री कृष्ण।